दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच मिलाए हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो पहला टेस्ट मैच होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, वेन्यू स्टेट, प्लेयर स्टेट, हेड टू हेड, इन सब चीज़ों पे प्लेयर बैटल पे बात करेंगे। बात कर लेते हैं मैच कहाँ होगा। मैच होगा आपका विदर्भा क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में कल सुबह 9:30 बजे। पिच रिपोर्ट की बात कर लें तो इस पे जो आखिरी मैच खेला गया था विदर्भा वर्सेस गुजरात के बीच में खेला गया था 17 जनवरी 2023 को। सुटेबल है ये किस चीज़ के लिए बता देते हैं। स्पिनर, यहाँ पे स्पिनर्स को विकेट ज़्यादा मिलते हैं, स्पिन फ्रेंडली विकेट होती है और बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है। बात कर लेते हैं विकेट कैसे मिले हैं। पेसर्स को 56 विकेट मिले हैं जिसमें 56 के 56 राइट आर्म फास्ट बॉलर को मिले हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को एक भी विकेट नहीं मिला है। स्पिनर्स को बात कर लेते हैं, स्पिनर्स को 79 विकेट मिले हैं जिसमें राइट आर्म ऑफ ब्रेक को 19, लेग ब्रेक को 9 विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 51 विकेट। न्यूज रिपोर्ट की बात कर ले, इंडिया में इंडिया की टीम में श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे, ऋषभ पंत को चोट लगा वो खेलेंगे नहीं, रोहित शर्मा रविंद्र जडेजा खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड ये पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे लोग, स्कॉट बोलैंड ये खेलेंगे उन लोगों की जगह पे, कैमरन ग्रीन भी खेलेंगे लेकिन बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि इनके दो फास्ट बॉलर खेलेंगे नहीं, तो कैमरन ग्रीन को बॉलिंग करना चाहिए और मुझे लगता है कि मार्सन को भी बॉलिंग करनी चाहिए। हेड टू हेड की बात कर ले, 5 मैच खेले हैं ये लोग 2019 से लेकर के 2021 के बीच में, इंडिया 2 जीतती है, ऑस्ट्रेलिया 1 जीती है, 1 ड्रा हो गया है, 1 रद्द हो गया है जिसमें लिखा नहीं है। प्लेइंग 11 की बात कर लें, ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल, उनके साथ रोहित शर्मा आएंगे, सेकंड राउंड पर चेतेश्वर पुजारा आएंगे, उसके बाद चौथे नंबर पर विराट कोहली, केएल राहुल, शिखर भरत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ये इनके प्रोबेबल 11 होंगे। बेंच पे कुछ प्लेयर हैं इनके, उमेश यादव, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, जय उनादकट, कुलदीप यादव, ईशान किशन। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात कर लें तो डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्सन लवछने, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी विकेट कीपिंग करेंगे, एस्टन एवर, पेट कमिंस, नाथन लायन, स्कॉट बोलैंड। इनके बेंच पर कुछ प्लेयर बैठे हैं, मिचेल स्वेपन, पीटर हैंडसम, मैट रेंसेव, जस हेजलवुड, टॉड मर्फी, लैंस मॉरिस, मिचेल स्टार। हेड टू हेड, वेन्यू प्लस फॉर्म प्लस रेटिंग जो भी है सारी चीज़ें इसमें बात कर लेंगे। शुभमन गिल 3 मैच खेले हैं टेस्ट, 52 के एवरेज से रन मारे हैं, 259 रन, इनका एवरेज बढ़िया है 52 का है, तो इनको अपनी टीम में आप लोग लेकर चलिएगा। इनमें बैटिंग फर्स्ट करते हुए इन्होंने बनाया है 27 रन 31 के एवरेज से, मतलब 27 इकतीस, सेकंड में 23 और 57 रन। वेन्यू पे 1 मैच खेला इन्होंने, 100 रन बनाए हैं 1 मैच में, बंदा वहाँ पे इस पिच पे खेलता है बढ़िया, इसको लेना तो बनता है। उसके बाद से रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा 7 मैच में 408 रन बनाए हैं हेड टू हेड में, फॉर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 51-46 बनाए हैं और सेकंड में 51-27 बनाए हैं। वेन्यू पर 46 का औसत है, 3 मैच में 139 रन बनाए हैं, इनका होम ग्राउंड भी है ये भी ध्यान दीजिएगा। बात कर ले चेतेश्वर पुजारा की, 54 का एवरेज है, 20 मैच में 1883, बंदा टेस्ट का एकदम परफेक्ट प्लेयर है, टेस्ट में तो बंदा चलता ही चलता है, जिसमें पाँच सेंचुरी भी बना के रखा है बंदा, 20 मैच में 5 सेंचुरी है शतक। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 50 से 42 का एवरेज आता है, सेकंड करते हुए 47 से 29 का एवरेज आता है। वेन्यू पे 67 का एवरेज है, 4 मैच में 355 रन, ठीक है, जिसमें से 250 बना के रखा है बंदा, पाँच इनिंग में 250, बंदा मस्ट है, पिक रहेगा। उसके बाद से बात कर ले विराट कोहली की, इन्होंने 20 मैच खेले हैं टेस्ट, 1682 रन है, 48 का एवरेज है हेड टू हेड। बैटिंग फर्स्ट करते हुए जो बनाया आप लोग देख लीजिएगा, वेन्यू पे इनका स्टेट देख लीजिए 88 का है, 354 रन 3 मैच में, जिसमें 2 सेंचुरी है और इनमें 3 सेंचुरी जो है, इनका जो ओवरऑल जो टेस्ट मैच है 3 या 4 सेंचुरी इनका चूक गया है शतक लगने से। उसके बाद केएल राहुल की बात कर लें, 9 मैच में 580 रन, 39 का कोई खास नहीं है, आप इनके जगह पे एलेक्स कैरी को पिक करके चलिएगा। वेन्यू पे लेकिन इनका 82 का
एवरेज है 165 रन 2 मैच में, ठीक है। बात कर ले रविंद्र जडेजा की, इन्होंने 12 मैच में 387 रन 63 विकेट, यानी विकेट जो है 63 विकेट, ये कैसे है दोनों इनिंग का मिला करके ये हुआ है, ठीक है। वेन्यू पे चार मैच खेले हैं, 12 विकेट लिए हैं, 131 रन भी बनाए हैं। उनसे बढ़िया आपके लिए रविचंद्रन अश्विन रहेंगे, 3 मैच में 23 विकेट 56 रन भी बनाए हैं। अक्षर पटेल वेन्यू पे पहली बार खेलेंगे, 8 मैच टेस्ट खेले हैं, 249 रन 47 विकेट भी लिए हैं ओवरऑल टेस्ट मैच में। उमेश यादव 48 विकेट लिए हैं 54 मैच में, 14 मैच में 119 रन। उनको ये शायद खेलेंगे नहीं, अगर खेले तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मोहम्मद शमी ये तो मस्ट हैव पिक रहेंगे, मोहम्मद सिराज मस्ट हैव पिक रहेंगे, 13 विकेट निकाल चुके हैं। जे कुछ प्लेयर बेंच पे बैठे हैं उनकी बातें कर लेते हैं, उनके बारे में भी शायद देख लें। जयदेव नाटकट 100 मैच खेल चुके हैं, 373 विकेट, मतलब हर मैच में 3 विकेट से ज़्यादा, 1844 रन। बंदा बैटिंग बॉलिंग दोनों से देता है परफॉर्मेंस। सैस अय्यर 57 का एवरेज है, 7 मैच में 624 रन। वेन्यू पे 1 मैच खेले हैं, 22 का एवरेज है, इनको आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। कुलदीप यादव तो इस समय फॉर्म में चल रहे हैं। शिखर भरत, इनको एक्सपीरियंस तो ज़्यादा है लेकिन इनको मौका बहुत कम मिलता है, इनको हो सके तो इस बार ईशान किशन की जगह पर इन्हीं को खिलाया जाए, अगर खेले तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से लेना है कि नहीं। सूर्य कुमार यादव, अगर इन्होंने ओवरऑल जो पूरा फुल क्रिकेट का जो है 79 मैच खेले हैं, 64 का एवरेज है, 5549 रन कुल इनका टेस्ट ओडीआई सब मिला करके है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ईशान किशन का भी वही है। ये सूर्य कुमार यादव टेस्ट में परफॉर्मेंस कर दे तो बढ़िया है, नहीं तो उम्मीद कम है। टेस्ट के वन ऑफ द मोस्ट प्लेयर है, बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं टेस्ट में। स्टार्टिंग की ओवर की बात कर लें तो मोहम्मद सिराज मोहम्मद शमी रविचंद्रन अश्विन स्टार्टिंग में बॉलिंग कराएंगे लोग। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, डेविड वार्नर 18 मैच में 34 का एवरेज, 1148 रन, 4 सेंचुरी। उसके बाद से वेन्यू पे खेले हैं इंडिया के खिलाफ, 24 का एवरेज है, 8 मैच में 388 रन, ये देख लीजिएगा। ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन से रविचंद्रन अश्विन के आगे स्ट्रगल कर सकते हैं। उस्मान ख्वाजा भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन से, ये एशिया कप खेले हैं इस वेन्यू पे 12 मैच, 58 का एवरेज है इनका पिच पे, देख लीजिए। मार्सल लबुचन है, इनका 51 का एवरेज ओवरऑल, और वेन्यू पे इनका एशिया कप खेले हैं 33 का एवरेज है, 8 विकेट भी निकाल लिए हैं, मतलब बॉलिंग करा सकते हैं अगर कोई लेफ्ट हैंडेड रहा तो। स्टीव स्मिथ 73 का एवरेज है, वेन्यू पे 60 का एवरेज है। ट्रेविस हेड 30 का एवरेज है, वेन्यू पे 21 का एवरेज है, इनको लेकर बहुत लोग जाएंगे लेकिन इनके चलने के चांसेस कम है। कैमरन ग्रीन 34 का एवरेज है, और ये वेन्यू पे एशिया कप खेले हैं जिनमें 44 का एवरेज है। एलेक्स कैरी जिनका 40 का एवरेज है, वेन्यू पे 54 का एवरेज है, जो एशिया कप खेले हैं, एशिया कप ही खेले हैं ज़्यादातर, एस्ट्रानगर एशिया कप खेले हैं, 32 का एवरेज है, वेन्यू पे 2 मैच में 7 विकेट 65 रन बनाए हैं। पेट कमिंग्स 43 विकेट निकाले हैं 10 मैच में, 2 मैच में वेन्यू पे 8 विकेट, इंडिया के खिलाफ खेले थे 33 रन बनाए थे। नाथन एलिस 7 मैच में 34 विकेट, ये बंदा लेग ब्रेकर है, ये विकेट निकाल सकता है, अधिकतर विकेट मेरे ख्याल से नाथन एलिस को ही मिलेंगे, नाथन लाइन को ही मिलेंगे। 22 मैच में 282 रन भी बना चुका है। स्कॉट बोलन 6 मैच खेल के आ रहा है, अभी पहली बार इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, वेन्यू पे भी पहली बार खेलेंगे, 6 मैच में 28 रन। बात कर लेते बेंच पे कुछ प्लेयर बैठे हैं। मिचेल स्टेपन विकेट टेकर नहीं है बंदा, उसको आप लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीटर हैंडसकम अच्छी बैटमैन से, अगर खेले तो ये आप लोगों के लिए अच्छे होंगे, हो सके तो टॉप ऑर्डर में भी खेल सकते हैं 1 डाउन या 2 डाउन पे। मैट रेंसो ओवर बेस्ट ऑलराउंडर हैं, ये भी बैटिंग से बॉलिंग से दोनों तरह से आपको पॉइंट दे सकते हैं। टॉन मर्फी फास्ट बॉलर है, लेंस मोरिस फास्ट बॉलर है। मिचेल स्टार्क जो है सैजल उठते हुए, तो अगर खेलेंगे नहीं पहला इनको तो, जब खेलेंगे तो आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल की, इंडिया की बात कर लेते हैं। शुभमन गिल पेट कमिंस के आगे स्ट्रगल करते हैं, इन्होंने 3 बार आउट कर दिया है। नाथन लाइन भी 1 बार आउट कर चुके हैं, जैसा भी 1 बार आउट कर चुके हैं।
रोहित शर्मा को पेट कमिंस 2 बार आउट कर चुके हैं, जयसराज लू 2 बार आउट कर चुके हैं, नाथन लायन 6 बार आउट कर चुके हैं 258 बॉल पे 135 रन टेस्ट की मैं बता रहा हूँ। चेतेश्वर पुजारा को 2 बार मिचेल स्टार्क खेलेंगे नहीं, पेट कमिंग 7 बार आउट कर चुके हैं, 172 रन बनाए हैं 600 बॉल पर ओवरऑल। जैसा हेजलवुड टेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, जैसा हेजलवुड 761 बॉल पर 238 रन 6 बार आउट कर चुके हैं। नाथन लायन ने सबको आउट किया है, ये 10 बार आउट कर चुके हैं। विराट कोहली 3 बार मिचेल स्टार्क ने आउट किया है, 5 बार पेट कमिंग्स ने, हेजलवुड खेलेंगे नहीं, पेट कमिंग्स के आगे स्ट्रगल करते हैं, नाथन लायन ने 7 बार आउट किया है, नाथन लायन के आगे भी स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद से बात कर लेते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल मिचेल स्टार्क पेट कमिंग्स 2 बार आउट, जॉस हेजलवुड 4 बार आउट, नाथन लायन 4 बार आउट। उसके बाद से रविंद्र जडेजा 1 बार मिचेल स्टार्क के आगे, 2 बार पेट कमिंग्स ने आउट किया है, 2 बार हेजलवुड ने आउट किया है, 3 बार नाथन लायन ने आउट किया है। रविंद्र चंद्र अश्विन को मिचेल स्टार्क खेलेंगे नहीं, पेट कमिंग्स 3 बार आउट कर चुके हैं, हेजलवुड 5 बार आउट कर चुके हैं, खेलेंगे नहीं, नाथन लियोन 5 बार आउट कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटल की। डेविड वार्नर को 4 बार रविंद्र जडेजा आउट कर चुके हैं, 10 बार रविचंद्रन अश्विन के आगे हो सके तो विकेट फेंक के चले जाएं, क्योंकि ये टेस्ट के उतने अच्छे प्लेयर नहीं माने जाते। 6 बार उमेश यादव के आगे आउट किए, मोहम्मद सिराज के आगे 2 बार, कुलदीप यादव के आगे 1 बार, रविंद्र जडेजा के आगे 1 बार, उस्मान ख्वाजा, रविचंद्रन अश्विन के आगे 2 बार। लेफ्टी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है विकेट तो फेंकेंगे ही लोग लेफ्टी। रविचंद्रन अश्विन के आगे मोहम्मद शमी 2 बार आउट कर चुके हैं, 1 बार जो विकेट गिरा है वो कोई खास मायने नहीं रखता है। मार्शल अभिचन ने, रविचंद्र अश्विन ने 2 बार आउट किया, 2 बार सिराज ने आउट किया। स्टीव स्मिथ को 4 बार रविंद्र जडेजा, 6 बार रविचंद्र अश्विन, 4 बार उमेश यादव, इन्होंने बाकी एक एक विकेट पहली बार एक एक विकेट दिए हैं, उसके आगे कुछ खास नहीं है। कैमरन को मोहम्मद सिराज ने 2 बार आउट किया है, पीटर हैंस्कम को 2 बार रविंद्र जडेजा ने, 3 बार रविचंद्र अश्विन ने। मैट रेंसियो को उमेश यादव ने आउट किया है, उमेश यादव अगर खेलेंगे तो बढ़िया रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। स्टीव स्मिथ, रविचंद्रन अश्विन डिफरेंशियल जीएल में कैप्टन जो रहेंगे, रविंद्र चंद्र, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, मार्शल लबुचन है। अब इसके हिसाब से हम लोग अपनी ड्रीम इलेवन की टीम बनाएंगे। विकेट कीपर सिंक्शन में एलेक्स कैरी हैं, शिखर भरत है, पीटर हैंस्कम है, ईशान किशन खेलेंगे नहीं, पीटर हैंस्कम खेलेंगे नहीं, शिखर खेलेंगे, इनको अभी उतना तजुर्बा नहीं है बड़े टीम के आगे खेलने का, तो मैं एलेक्स कैरी के साथ जाऊँगा। उसके बाद से विराट कोहली को लूँगा, विराट कोहली को सबको ही लेके चलेगा, स्टीव स्मिथ को लूँगा, चेतेश्वर पुजारा, ये 3 प्लेयर मेरे टीम में रहेंगे। मैं रोहित शर्मा को भी लेके चलूँगा, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आई तो रोहित शर्मा रहेंगे, अगर इंडिया की पहले बैटिंग नहीं आती है तो उस्मान ख्वाजा को मैं लेके चलूँगा। अभी मैं इंडिया की बैटिंग को मान के चल रहा हूँ तो मैं रोहित शर्मा को लेके चलूँगा। ऑलराउंडर सेक्शन में रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कैमरन ग्रीन, ये 3 मेरे प्लेयर रहेंगे। उसके बाद से ट्रेविस हेड है, इनका वेन्यू पे रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, उस पर से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन से अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, स्पिनर है, अगर पहले बॉलिंग आती है तो मैं इनको लूँगा। कैमरन ग्रीन फास्ट बॉलर, इनको विकेट मिलने के चांसेस तो कम है लेकिन बैटिंग से बैकअप दे सकते हैं, इसलिए इनको लेकर चल रहा हूँ मैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं इनके जगह पर एस्टन अगर को लेकर चला जाऊँगा, क्योंकि स्पिन भी बैटिंग भी अच्छा करते हैं और स्पिन फ्रेंडली विकेट है तो विकेट भी निकाल के जा सकते हैं। नाथन लायन को मास्टर पिक रहेंगे तो सबका विकेट लेके जाते हैं, पेट कमिंग्स, उसके बाद से कुलदीप यादव। अब कैमरन की जगह एस्टन अगर को ले सकते हैं, इसमें चेंजिंग होगी, ये फाइनल टीम नहीं है। कैप्टन में विराट रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन में स्टीव स्मिथ, ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम मेरी आएगी, ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, ये पिच जो टॉस हो जाएगा उसके बाद मैं फाइनल टीम आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। नया चैनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मतलब मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा, इतनी रिकॉर्ड ला करके देना बहुत मुश्किल का काम है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।